ये वही किचन है जिसमें मेरी पत्नी आएगी और रोटी बनेगी। जल्दी से फूल आहा लगबू जोगा लागल ये हमरा बियाहक बोखा। तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को, दादी माँ कब मरेगी यार, भोज भी होगा यार। की हो रही है? मैं यहीं पे खाता हूँ, यहीं पे हगता हूँ, यहीं पे सारा कुछ करता हूँ। की हो रही है? कितना सोना तुझे रब ने बनाया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे हम घर का टूर। बहुत लोग यार बोल रहे हैं यार घर का टूर, घर दिखाइए भैया, बहुत चीज़ दिखा दीजिए, एक घर दिखा दीजिए प्लीज। तो एक कमेंट मेरे लिए 100 के बराबर 100 1000 के बराबर है, इसके चलते मैं घर का टूर करूँगा। उससे पहले मैं जा रहा हूँ भगवतीपुर, मुझे पावर बैंक लेना है। कहीं भी मैं जाता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए मोबाइल डाउन हो जाता है, इसके चलते मुझे पावर बैंक लेना है। तो चलिए चलते हैं भगवतीपुर एक पावर बैंक लेने के लिए। फाइनली गाइस पहुंच गए दुकान के पास। भैया जियोनी का ही दिखाइए, जियोनी जियोनी कितना का, जियोनी का कितना है प्राइस उसका? 9999। 1000। ये है जियोनी पावर बैंक। अब देखते हैं यार इसका बैकअप कितना अच्छा है, चला करके यूज करके देखते हैं। तो गाइस ये भैया मोबाइल ठीक करते हैं, इनसे एक भी मोबाइल ठीक नहीं होता, पता है क्यों? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यार। देखो मोबाइल कितना खराब रखे हैं ऊपर, एक भी मोबाइल ठीक नहीं करते, सब खराब ही कर देते हैं यार। दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस ये दुकान मेरा है, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। भैया बेच दिए मेरे हाथ से। क्या भैया कितना बेचा? 5 लाख रुपया। तो चलिए पावर बैंक ले लिया यार, अब चलिए दिखाते हैं आप सभी को घर। ओके तो फाइनली गाइज पहुंच गए अपने घर पे। चलो गाइज दिखाते हैं अपना घर। साहब एक घर दे दीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। तोर घर वाला कतक तोर घर वाला कतक। चलो दिखाते हैं आप सभी को अपना घर। बता दूं मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं यार अपना घर, मैं कहां रहता हूं, कहां सोता हूं, कहां खाता हूं। चलो भाई दिखाते हैं। तो गाइज मैं बता दूं मैं यहीं पे खाता हूं, यहीं पे हगता हूं, यहीं पे सारा कुछ करता हूं। हगना फिरना खाना पीना सब कुछ यहीं पे होता है। तो आप लोग भी इसी घर में रहना चालू कर दीजिए। ओके तो मैं बता दूं ये है एक, इसको बोलते हैं मिथिलांचल के भाषा में बोले तो दलान, दलान बोला जाता है। यहीं पे जो जब मेरी शादी होगी तो यहीं पे आएंगे लगभग 4-5 लोग आएंगे मुझे देखने के लिए, लड़का कैसा है क्या करता है, और मैं भी जाऊंगा कहीं पे देखने के लिए। ऐसे दलान होगा वहाँ पे भी नहीं कुछ इस प्रकार से। ये अभी फिलहाल में एल्वेस्टर है, एल्वेस्टर बोले तो चदरा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। फिलहाल बाइक मेरा यहाँ पे है, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। वो देखिए ये है मेरा घर, वो बहुत पीछे तक है, बोले तो ये जो ज़मीन है ना, जो ज़मीन वो बहुत ही लंबा है, इसके चलते बहुत पीछे तक घर है। ये है दूसरा घर, इसमें गाय सब रहता है। फिलहाल गाय नहीं है मेरे पास क्योंकि गाय को कहीं पर लगा दिया। यार गाय से याद है यार, गाय को भी दिखा देते हैं इसी में। तो चलो भाई गाय कहाँ पे है, बोले तो मिथिलांचल के भाषा में बोला जाता है उसको पोसिया, पोसिया लगाना बोलते हैं, पोसिया हम लगा दिए। तो चलो भाई गाय को भी दिखाते हैं पहले। तो गाइज ये रही मेरी गाय, ये है देखो देखो अभी पहचान रही है। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर। चलो गाइज गाय तो दिखा दिया, अब दिखाते हैं क्या। अब ये देखिए ये है, ये जो अभी लगा है पर्दा जैसा, ये लैट्रिन है, इसके अंदर लैट्रिन है यार, दो लैट्रिन है, एक ये इसमें लैट्रिन है, कचरा से भरा है, कचरा गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। और एक ये रहा, चलिए दिखाते हैं बैक कैमरा से भी कुछ इस प्रकार से। और इधर एक घर, ये बाहर की यहाँ पे हम एक दीवार देंगे जिससे ये बाहर साइड रहेगा, वो अंदर साइड, लेडीज जेंट्स। ओके कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताए। और ये है चापाकल, दिस इज मी एंड दिस इज माई होम। चलो भाई अब अंदर चलते हैं,
ये कुछ इस प्रकार से दरवाजा, यहाँ पे गेट दिया है, ये कुछ मोबाइल से वीडियो बनाते, ये देख लीजिए। हेलो, एक बार फिर से ये देखिए, कुछ इस प्रकार से व्यू है अंदर का, कितना जैसे लग रहा है ना, एक तरह से होटल है, हॉल जैसा है ना। चलो भाई अब दिखाते हैं, घर से भी दिखाते हैं, उससे पहले हमारी दादी से मिलिए। तो गाइस ये रही मेरी दादी माँ। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। यार बता दू, दादी माँ मेरी मुझे शादी नहीं कर रही है। शादी कब होगा मेरा? बेटा मन में लड्डू फूटा करेगी। तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को, दादी माँ कब मरेगी यार, भोज भी होगा यार। और ये देखिए पीछे पीछे बोलने वाली, ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक नहीं, नहीं दो तो मेरा भगवान ही मरेगी। अच्छा मरेगी, भोज होगा यार, भोज खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, ओके, नो 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 नो। ये रही मेरी माँ, बहुत बोल रही है आज। मम्मी और दादी दोनों पूजा की, कौन सा पूजा मम्मी? इक्यासी, बिरासी, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सतासी, अठासी, नवासी, पचासी, छियासी, सतासी, अठासी, नवासी, ये वाला पूजा। गाइस ये रहा दिस इज फॉर किचन, ये है किचन देखिए। तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को, ये वही किचन है जिसमें मेरी पत्नी आएगी और रोटी बनेगी, खाना पकाएगी इसी रूम में। अब उसके आगे चलिए, ये रही मेरी मम्मी का गाड़ी है, देखिए जितना कचरा वचरा है। मम्मी जो मैंने मम्मी जो है ना एकदम कचरा फैला कर रहा था, गाड़ी वाला आएगा कचरा निकाल, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा घर चलिए, दूसरा घर में दिस इज फोर, एक तरह से समझिए अभी जो है फिलहाल में स्टोर रूम, ना कि किसी का रूम है, स्टोर रूम। इसमें सामान सब रहता है, कचरा वगैरह रहे, अनाज ज़्यादातर अनाज रहता है, ये जो तीन चार जितना भी देख रहे हैं ज़्यादातर अनाज ही है। चलो भाई आगे चलते हैं, उससे आगे है ये दिस इज फोर मैं, ये मेरा घर है भाई, इसमें मैं सोता हूँ। और देखिए इसमें जो फिलहाल दो ट्यूबलाइट लगा है, जब मैं वीडियो बनाता था ज़्यादातर घर ही में बनाता था, इसके चलते ट्यूबलाइट लगा है। तो गाइज ये वही रूम है जिस रूम में मैं और मेरी पत्नी, आगे की बात सॉरी समझ गई। और कुछ आगे जाके करिए, ये है, ये देखिए इसमें आलू कितना है, आलू है ये, ओके। तो ये है दिस इज फॉर नीतीश का घर है, ये दिस इज फॉर माय एंड नीतीश, एंड ये है पूजा घर। चलो भाई दिखा देते हैं, भगवान को भी दर्शन करवा देते हैं आप सभी को। ये रहा पूजा का घर, मैं आपको बताया था कि मम्मी कोई पूजा की है, वही देखिए यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ा है, खा लीजिए आप लोग। तो चलो गाइज चलते हैं छत पे, दिखाते हैं आप सभी को अपना गांव का नजारा, कुछ व्यू छत पे से दिखता है वो दिखा देते हैं आप सभी को। तो गाइज कुछ इस प्रकार से गांव का व्यू दिख रहा है, और ये जो घर है ना, ये घर ये मेरा ही है, इसी पर चदरा एल्वेस्टर जो भी बोले आप लोग। और ये छत है, ये मेरा ही छत है, और यहाँ पे मेरा कपड़ा सब है। यार गंदा भी हो गया यार, यार कल गर्लफ्रेंड से मिलना है इसी शॉट में, यार गंदा हो गया। आप सभी से कुछ एक मिनट बात करना है, प्लीज़ सुन लीजिएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं यार कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो सब लोग मैं बता दूँ बिहार से, मिथिलांचल मधुबनी जिला से, ओके। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, बहुत बोल रहे हैं यार नंबर दीजिए नंबर दीजिए। भाई नंबर क्या करेंगे आप लोग, आप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज कर रिप्लाई दे रहा हूँ, और क्या क्या भाई। और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए बस, और पता है हमें कि आप लोगों को अभी जो ब्लॉग में थोड़ा मोड़ा बोरिंग जरूर आता होगा यार, प्लीज़ अभी मैनेज करिए, लगभग चार पाँच दिन मैनेज कर लीजिए प्लीज़। इसके बाद हम जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में मचाएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया डायलॉग, फनी फनी डायलॉग दिमाग में सोच करके रखेंगे, आप सभी को हंसाएंगे, और क्या। चलो भाई ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद